सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो वाई 22S मोबाइल में ऐप को हाइड कैसे किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास है कोई भी पर्सनल ऐप और आप उसको हाइड करना चाहते हो तो बिल्कुल ही आसान तरीके से हाइड कर सकते हो। तो ऐप को हाइड करने के लिए आप यहाँ से अपना सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाना है। जैसे आप यहाँ पर नीचे आओगे तो आपके यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाना, यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे आप। दोस्तों यहाँ से आपको 6 अंकों का प्राइवेसी पासवर्ड बना लेना है। अगर आपको 6 अंकों का नहीं बनाना तो आपको यहाँ पे पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप 4 डिजिट में रख सकते हो और आप यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड में यानी कि पासवर्ड में रख सकते हो, 4 डिजिट में रख सकते हो, पैटर्न में भी रख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से हम पैटर्न में रखेंगे। पैटर्न पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो भी पैटर्न बनाना है वो आपको पैटर्न यहाँ पे बना लेना है। एक बार कंफर्म कर देना है सेम वही पैटर्न। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर देना है। सिक्योरिटी आंसर में आप कुछ भी लिख सकते हो। दोस्तों ये सिक्योरिटी आंसर इसलिए मांगा जाता है, जब आप प्राइवेसी पासवर्ड को भूल जाओगे तो आप ये सिक्योरिटी आंसर देखे प्राइवेसी पासवर्ड को फॉरगेट कर पाओगे। तो सिक्योरिटी आंसर में आपको कुछ भी लिख देना है, लिखने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है तो आपका सक्सेसफुली ये प्राइवेसी पासवर्ड बन जाएगा। अब आप आ जाओगे इस पेज पे। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाइड ऐप का, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे वी हिडन ऐप्स के सामने टिक इनेबल करना है। इस टिक को इनेबल करने से जो आप ऐप हाइड करोगे उसको चलाने में आसानी होगी। अब आप नीचे आओगे तो आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन है कि वो सारी एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जिस एप्लीकेशन को आपको हाइड करना है उसके सामने टिक इनेबल करना है। तो यहाँ से हम अपना फेसबुक हाइड करेंगे, इसके सामने टिक इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद डू नॉट रिमाइंड मी अगेन पर टिक करके यहाँ से ओके कर देना है। अब जो जो एप्लीकेशन हाइड करना है उसको यहाँ से आपको उसके सामने टिक इनेबल करना है। हमने अपना फेसबुक हाइड किया और यहाँ से अपना हम इंस्टाग्राम ले लेंगे और व्हाट्सएप ले लेंगे। दोस्तों मैंने अपना इंस्टाग्राम व्हाट्सएप हाइड किया है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक। अब आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, यहाँ पे हमारा ना तो कहीं पे इंस्टाग्राम दिख रहा है और ना ही हमारा फेसबुक दिख रहा है, ना ही हमारा व्हाट्सएप दिख रहा है। इसका मतलब सक्सेसफुली हाइड हो चुके हैं। तो ये थोड़ी बात ऐप को हाइड करने की। अब दोस्तों आपका मन हुआ चलाने का तो चलाएंगे कैसे। चलाने के लिए आपको करने का दो उंगली लेना है, स्क्रीन पर रख के ऊपर को इस तरह से स्वाइप करना है। स्वाइप करने के बाद आपने जो भी प्राइवेसी पासवर्ड या पैटर्न बनाया है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे आप वो यहाँ पर डाल दोगे तो आपकी हाइड वाली ऐप यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ से आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप वीवो वाई 22S मोबाइल में किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।